अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार उन्होंने खादी और महात्मा गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अनिल विज ने 1000 और 500 के नोटों पर बापू को लेकर कहा कि महात्मा गांधी ऐसा नाम है जिस दिन से नोट पर चिपका उस दिन से ही रुपए की कीमत में गिरावट आनी शुरू हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यह तक कह डाला कि अब धीरे धीरे नोट से भी गांधी हटेंगे। साथ ही अनिल विज ने यह भी कहा कि खादी के साथ गांधी का नाम जुड़ने से खादी डूब गई, मोदी खादी के लिए बेहतर ब्रांड है कि गांधी जी ही लगेंगे और पहले भी कई बार नहीं लगे हैं और इतने सालों से गांधी जी लगे हुए हैं तो खादी ने कोई तरक्की तो की नहीं है, खादी नीचे नीचे गई है। अब मोदी जी इसके ऊपर लगाएंगे 13% इसकी सेल बढ़ी है और गांधी जी का तो नाम ही ऐसा, जिस चीज पे लग जाती है चीज डूब जाती है। रुपए के ऊपर लगा और रुपया हमारा डूबता ही चला गया जब से रुपए के ऊपर गांधी जी की फोटो लगी है। एक वक्त एक डॉलर एक रुपए के समान था, आज 60-65 रुपए में एक डॉलर आता। नहीं, मैं ये नहीं कहता हटाए जाएंगे। मैं जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी क्यों लगाए गए, मैं उनको उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। तो इन दिनों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर को लेकर बवाल मचा हुआ है। कल जहां खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर से बापू की तस्वीर गायब होने पर पूरा दिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, वहीं आज अनिल विज के बयान ने नई जंग छेड़ दी है। देखते रहिए डीबी लाइव।